Hello guys, welcome back all of you. That's my YouTube channel RL Study Point. Students, I will teach all of you active and passive verbs changing with tense in a table. आज मैं आप लोगों को जो एक्टिव से पैसिव वॉइस को चेंज किया जाता है, किस टेंस को एक्टिव वॉइस में है तो उसका पैसिव वॉइस किस में चेंज होता है, उसको एक टेबल में बताता हूँ कि कैसे आप चेंज करते हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। और यदि आपको अच्छी तरह से समझना है तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए टेंस है आपका, ठीक है, आप जानते भी होंगे टेंस, ये सभी टेंस है ना। ये एक्टिव वॉइस में यदि इसका सेंटेंस गिवन है तो पैसिव वॉइस में आप किस टेंस में कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंगेज में टेंस में है तो इसका पैसिव वॉइस आप क्या करेंगे बेटा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस क्या करेंगे आप, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। अगर आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही दिया है तो आप इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही रखेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहेगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ईच, एम, आर, ठीक है। बाकी चेंज करने की जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, मैं आपको यहां बता रहा हूं किस टेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं। अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहां पे ईच, एम, आर के साथ साथ क्या लग जाता है, बीइंग, बीइंग। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, इसमें चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है आपका हैज बीन कॉमा हैव बी, ठीक है। अब आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका क्या होता है पैसिव वॉइस नहीं होता है बेटा, इसका क्या होता है पैसिव वॉइस नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे, नो चेंज। यदि एक्टिव वॉइस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस गिवन हो इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है, यहां पे आप कर देंगे नो चेंज, ठीक है। अगर पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट का चेंज होता है बेटा पास्ट कंटिन्यूअस में, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाच कॉमा वर, ठीक है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में ही, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा, प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस बीइंग, इसमें भी क्या हो जाएगा, बीइंग का यूज होगा, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट को आप चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब होगा बेटा Had been, क्लियर। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी क्या हो जाएगा, नो चेंज, क्या हो जाएगा, नो चेंज, ठीक है। अगर स्टूडेंट आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इससे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच सके, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको चेंज करते हैं बेटा फ्यूचर कंटिन्यूअस में, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी कॉमा शैल बी। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका क्या हो जाता है बेटा, नो चेंज,
देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नो चेंज, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट है जिसको चेंज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल हैव बीन कॉमा शैल हैव बीन, ठीक है। लास्ट है बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी हो जाएगा नो चेंज। ये है आपका चार्ट जो कि हम लोग क्या करते हैं, किस टेंस को किस में चेंज करते हैं। आपने देखा कि एक यहां पे नो चेंज, एक यहां पे नो चेंज, एक यहां और एक यहां, मतलब फोर टेंस क्या है, नो चेंज, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता। तो हम कह सकते हैं विटेल्स द एक्टिव टू पैसिव वॉइस ओनली चेंजेस फॉर एट टेंस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम लोग केवल आठ ही टेंस का बनाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस टेंस को किस में चेंज करते हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अगर जो इसके रूल्स होते हैं कि फर्स्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कहाँ पे किसको क्या चेंज होता है, कब आप चेंज करेंगे, एक सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में भी आपको मैं एक वीडियो में डिटेल आपको दे दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।